लो चांदनी, संभालो अपनी अमानत। माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये लहंगा नहीं ले सकती। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी मम्मी की शादी का लहंगा पहनना चाहती हूँ, जो बड़े ही प्यार से मेरी दादी और नानी ने फिर से तैयार किया। और मैं ये ज्वेलरी भी नहीं पहन सकती, मुझे कोई सिंपल सी ज्वेलरी पहननी है। वो क्या है ना कि रौनक को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है ना रौनक? Yeah, you are absolutely right. चांदनी, हमारे घर के कुछ रीति रिवाज है। एंगेजमेंट पर होने वाली बहू लड़के वालों का दिया हुआ शगुन ही पहनती है। अपनी माँ की शादी का लहंगा तुम शादी पर पहन सकती हो। सुमेर बिल्कुल ठीक कह रहे चांदनी। आओ, ले लो ये। Very well. तो आप जाके थोड़ा आराम कीजिए, शाम को एंगेजमेंट सेरेमनी है। रोशनी, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? जी। Very good. रौनक, तुमने अपने सारे गेस्ट को इनविटेशंस भेज दिया? हाँ, मैंने सब लोगों को बुलाया है और आज शाम को मेरा एक खास दोस्त भी आने वाला है। रोशनी मैम, आपको सुमेर सर बुला रहे हैं, वो आपको किसी खास मेहमान से मिलाना चाहते हैं। अरे दादी, नानी, पापा, आप लोग ऐसे खाली हाथ क्यों खड़े हैं? कुछ लीजिए ना। एक मिनट, मैं अभी वेटर को कह के कुछ मंगवाती हूँ आप लोगों के लिए। एक मिनट रोशनी पुत्र, क्या हुआ नानी? पुत्र मन नहीं है कुछ खाने का। क्यों? पुत्र, अब इस बुढ़ापे में तूने इतना कुछ दिखा दिया है, इतना कुछ सिखा दिया है कि भूखी खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है पुत्र कि हम तेरे लिए खुश नहीं है, पर सच तो ये है कि आज हम सिर्फ चांदनी के लिए यहाँ पर आए हैं। पुत्र, तुझे तो अब तेरी दादी नानी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है तू, पर हमारी चांदनी तो अभी भी हमें अपना मानती है। इसके लिए उसी का साथ और उसे आशीर्वाद देने आए हैं हम। पापा। रोशनी बेटा, तो अपने घर वालों का और अपने मेहमानों का ख्याल रख, हमारी चिंता मत कर, अपना ख्याल हम खुद रख लेंगे बेटा। आओ माँ, एक बार चल के देखते चांदनी तैयार हुई या नहीं। चांदनी ने मेरे परिवार को भी मेरे खिलाफ कर दिया है, और कितने रीजंस देती रहेगी ये लड़की मुझे इससे नफरत करते रहने के लिए। जा रौनक, चांदनी को लेकर आओ, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। आज अच्छी दिख रही हो। थैंक्स। पर आज तुम अनफॉर्चुनेटली अच्छा फील नहीं करोगे। ये कुछ तो प्लान कर रहा है।
चले मिस चांदनी चोपड़ा। हेलो, हाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना ये सगाई शुरू होगी ही नहीं। जल्दी आ जा। आग लगाने का बड़ा शौक चढ़ा ना तुम्हें। अब मैं बताता हूँ कि आग कैसे लगाते हैं। अगले कुछ ही देर में मेरे सो कॉल्ड नो दाग ऑन कैरेक्टर पापा तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकालेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी रौनक रेड्डी नहीं या काउंट ऑन बिगिंस नाउ 5 4 दरवाजे पे देखो तुमसे मिलने कौन आया है। यहाँ किसने बुलाया? Congratulations चांदनी चोपड़ा, अपनी नई शुरुआत के लिए। आप लोग शायद चांदनी चोपड़ा से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में खास बात बताता हूं। ये दूसरों की लाइफ खत्म करके अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। नमस्ते, मैं हूं तरुण फ्रॉम अमृतसर, चांदनी का स्पेशल फ्रेंड। तरुण अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहां से। ये जो लड़की है ना चांदनी, जिसकी शादी इतने बड़े खानदान में हो रही है, ये ना एक ब्लैक विडो स्पाइडर है। एक ऐसी प्रजाति जिसे आदमियों के होने से बहुत दिक्कत है जी। आदमियों की जिंदगी बर्बाद करना, उनकी इज्जत और स्पेशली उनकी शादियां तोड़ना इसका फेवरेट टाइम पास है। अमृतसर में फायर स्टेशन में मेरी जूनियर थी और काम सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। तरुण सर ये, तरुण सर वो, तरुण 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 करके सर गाती रहती थी मेरा। और जब सारा काम सीख लिया, समझ लिया, तरुण सर की नौकरी खा गई है। अरे अभी रुको, और भी है। इतने में इसका पेट नहीं भरा, अपने लटके झटकों से हमारे सीनियर ऑफिसर मानव सर उनकी शादी तोड़वा दी इसने। उन्होंने एक तो इसके भोलेपन में फंस के इसको नौकरी दिलवाई, इसे पूरा सपोर्ट किया और ये उनके पीछे मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने काम निकालती रही। सिर्फ ऑफिशियल नहीं, अपने पर्सनल काम भी निकालती रही। और जब हमारे बेचारे मानव सर इस पे लट्टू हो गए तो ये पैसों के लालच में यहां रौनक की बाहों में चली आई। ऐसी है ये चांदनी चोपड़ा। अब ये क्या नया ड्रामा है सुमेर? हर पार्टी, हर इवेंट में कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। आई एम सो डन विद दिस। बेटे की शादी करवाने का बहुत शौक है ना तुझे सुमेर?
नाउ वेट एंड वॉच, तेरी बीवी और बहू तेरे घर को अपना पर्सनल बैटलफील्ड बना के रख देंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। भाई रौनक, मत कर से शादी, ये लड़की नहीं जहर है जहर, तुझे सड़क पे ले आएगी। रवदीप सो, मैं अच्छे से जानता हूं इसे। That's enough. बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, नाउ गेट आउट, वरना अगले कुछ दिनों के लिए जेल में सड़ोगे। मिस्टर बब्बर, थैंक यू बोलने वाला काम कर रहा हूं और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? बहुत दूर से आया हूं मैं इस जालसाज लड़की के बारे में वार्न करने के लिए आपको। नहीं चाहिए तुम्हारी वार्निंग। जिस तरह एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारी वार्निंग का सच झूठ सब समझ में आ रहा है मुझे। अरे किसे सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? ये चांदनी चोपड़ा एक नंबर की झूठी मक्कार। लड़कियों की बेइज्जती करने वालों के साथ तम यही सलूक होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं माननी तो मत मानो मेरी बात। अमृतसर का बच्चा बच्चा जानता है कि चांदनी चोपड़ा कैसी लड़की है। What the hell is this चांदनी? ये आदमी कब से तुम्हारे बारे में बकवास किए जा रहे और तुम चुपचाप सुन रही हो इसे? तुम्हें कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? या फिर इस साइलेंस का मैं ये मतलब समझूं कि ये जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है? संजोत जी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और तरुण की सारी बातें झूठी भी। मैं तो बस इसकी बकवास खत्म होने का वेट कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को बोलते हुए बीच में टोकते नहीं, उन्हें उनकी पूरी भड़ास निकालने देते हैं, ताकि जब हम बोले तो वो चुपचाप सुने। हो गया तुम्हारा तरुण, या कुछ बचा है अभी भी? तो अब मेरी बारी है। क्या कह रहे थे तुम तरुण? मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती थी। कब दौड़ी मैं? जब डिपार्टमेंट से मुझे निकलवाने के लिए पहले दिन मेरी ड्यूटी चेंज कर दी थी मुझे बिना बताए, तब? या फिर जब तुम मुझ पर सेक्सिस्ट कमेंट्स करते थे, तब? फिर जब डिपार्टमेंट में लेडीज वॉशरूम ना होने की वजह से मुझे 2 किलोमीटर दूर मार्केट में जाना पड़ता था, और अगर मैं वहां पे 2 मिनट भी लेट हो जाती थी तो तुम मुझसे पूरी ड्रिल वापस करवाते थे, तब? बोलो तरुण, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, अब क्या हुआ? चार लोगों के बीच में एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करना तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन जब वही लड़की तुम्हें जवाब दे, अपने लिए स्टैंड ले, तो तुम जैसे लोगों की नजरें झुक जाती हैं। तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना तरुण, तो फिर कैसे दूसरों की बेटी को डिसरिस्पेक्ट कर लेते हो? जिसका जैसे मन आता है, जो मन आता है वैसे ट्रीट करता है उनको। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो हमारी फैमिली के बारे में तो सोचो कि तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से उन पर क्या बीतेगी। जस्ट इमेजिन, कल को कोई तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तरह सबके बीच बेइज्जत करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? एक्चुअली तुम्हें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज भी एक लड़की की इज्जत कांच की तरह जो यूं एक झटके में टूट जाती। बट यू आर रॉन्ग तर, आज की लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं है जो तुम्हारी इन घटिया हरकतों से टूट जाए। गया वो लड़कियों का डू नॉट टच मी वाला जमाना, अब हर एक लड़की के हाथ में बैट है, फुल पैडिंग,
सर फोड़ने की बारी अब हमारी है, तुम्हारी नहीं। सुमेर जी, ये जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है ना, ये तो खुद निर्भय। एक बहुत ही क्रूशियल फायर केस में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था ये, इसलिए सस्पेंडेड और फ्रस्ट्रेटेड है। मुझ पे इसको इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन मुझे मिली और कुछ एरो गैरो की वजह से आज ये यहां आ पहुंचा, वरना तो इसका घर से बाहर निकलना भी बंद। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं आपके डिपार्टमेंट से बात करवा देती हूँ। इट्स ओके चांदनी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राज, बाहर निकालो इसे। ओ तेरी, मैं तो शर्त हार गया। आज ड्रामा चोपड़ा सिस्टर्स के सिवाय कोई बाहर वाला करके चला गया। गॉड, स्ट्रेस से ना मेरी स्किन खराब हो गई है। घर में शादी है और मेरे फेस पे स्ट्रेस लाइंस आ गई है। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारा स्ट्रेस मैं अभी दूर कर देता हूँ। तुम्हारे लिए दो पंक्तियां लिखी हैं मैंने कि तेरे बिना मेरी जिंदगी में है सन्नाटा, तेरे बिना मेरी जिंदगी में है सन्नाटा, तू मेरी चाय और मैं तेरा पराठा। सुमेर जी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच उस पर यकीन करने के लिए। चांदनी, अगर तुम पर यकीन नहीं होता तो आज जो इस घर में हो रहा है वो कभी नहीं होता। एक बात मैं अच्छे से जान गया हूं कि तुम गलत कामों से सख्त नफरत करती हो, इसलिए तुम खुद कभी गलत नहीं हो सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सो सॉरी फॉर दिस ग्लिच। आइए एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।